वाह, ये कितना मजेदार है, मुझे दोबारा करना है। ये हो गया। वो देखो जरा, ये एक मैजिक की तरह है। तुम क्या कर रही हो? मुझे ये ट्राई करना है। नहीं, लेकिन ठीक है, ये लो तुम। हे, बाल संभाल कर, ये लो। क्या बस यही कर सकती हो? रुको रुको, हम कहाँ हैं? यहाँ देखो, ये आर्ट चैलेंज का समय है। कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। मदर नेचर हमें बिगाड़ रही है। देखो, एक खूबसूरत बटरफ्लाई। कहाँ चली गई? कितना अच्छा है, हम यहाँ क्या करें? उप्स, मैं भी ना। रुको, मुझे बटरफ्लाई बनानी है। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। जरा सोचने दो, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये करते हैं। मुझे मेरी आर्ट सप्लाईज चाहिए। जो मुझे चाहिए सब यहाँ है। मैं ये ब्रश इस्तेमाल करूँगी। मैं सबसे अच्छी बटरफ्लाई बनाऊंगी। बस इंतजार करो, आप लोग चौंक जाओगे। मैं इसकी एक साइड पेंट करती हूँ। हेलो, वो ये कमाल है। ओ नहीं, मेरी पेंटिंग मैंने खराब कर दी। ये बटरफ्लाई की गलती है। रुको, शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। मैं ग्लास की शीट पर पेंट गिराती हूँ, फिर स्पंज की मदद से इसे स्प्रेड करते हैं। इसकी एक लेयर बनाते हैं। ग्लास को अच्छे से कवर करना है। अब कॉटन स्वाब की जरूरत है। बटरफ्लाई ड्रॉ करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ये अच्छी लग रही है। अब मैं इसके ऊपर पेपर रखूंगी। इसे आराम से प्रेस करते हैं, फिर इसे आराम से उठाएंगे। वाह, ये कमाल है। ये मैं जितना सोचा था उससे काफी बेहतर है। मैं कमाल हूँ, मैंने पहले ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी। वाह, ये तुमने किया। मुझे भी कुछ करना होगा। जरूर यहाँ इस्तेमाल करने के लिए कुछ होगा। बस कचरा ही है, मुझे निराश कर दिया। एक सेकेंड, समझ गई। मैं पेज को ऐसे फोल्ड करती हूँ, फिर इसे कट करते हैं। इसे आराम से करते हैं। एक विंग शेप बनानी है, बिल्कुल ऐसे। जब इसे खोलेंगे तो ये बटरफ्लाई बन जाएगी। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ब्लैक पेन से एज बनाऊंगी। फिर इसे सजाना शुरू करते हैं। इस विंग के लिए पैटर्न्स बनाते हैं। आउटलाइन बन गई। अब इसमें कलर भरते हैं। पिंक बढ़िया रहेगा। मैं इसे एक तरफ करती हूँ, फिर सेफ्टी पिन की एंड को ट्विस्ट करते हैं। फिर इसने तो थका दिया, मुझे इसे आराम से पीछे की ओर बेंड करना है। मुझे यही चाहिए था। इस पर रबर बैंड की एक लूप बनाते हैं। अब इसे अच्छे से खींच दो। अच्छा लग रहा है। अब मुझे पेपर क्लिप चाहिए। इसे स्ट्रेट करते हैं जितना हो सके उतना। अब इसे रबर बैंड में डालूंगी। अब बीच में से पेपर क्लिप को मोड़ देते हैं। बिल्कुल बढ़िया। अब इसे सेफ्टी पिन के ऊपर तक ले जाते हैं। अब पेपर क्लिप की एंड्स को स्प्रेड कर देते हैं। ये एंटेना बन गया। अब मैं अपनी बटरफ्लाई विंग्स ऐड करती हूँ। लेकिन बेस्ट पार्ट ये नहीं है, मैं इसे ट्विस्ट करूंगी। जब मैं इसे छोड़ूंगी तो ये उड़ जाएगी। वाह, कितना बढ़िया है। ये अब तक की सबसे अच्छी चीज है। क्या, ये कैसे किया? ये कमाल है ना? वाह, ये वापस मेरे पास आ गई। ये जरूर मुझे पसंद करती है। एनी जीत गई। सच में? वुहू! ये सही नहीं है। वो क्या कर रही है? जूसी पाइनएप्पल। ये कितना अच्छा है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ओह, तुम अभी भी यहाँ हो? ये रहा तुम्हारा अगला चैलेंज। ओह प्लीज, ये आसान होगा। मुझे बस तय करना है कि क्या इस्तेमाल करूं। मुश्किल डिसीजन है, मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है वो मुझे छेड़ रही है। मुझे बहुत भूख लगी है, काश कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाए। रुको, एक आइडिया है। मेरा अभी भी थोड़ा सा लंच बचा है। एक यम्मी ऑरेंज, स्वादिष्ट। चलो उसका कुछ करते हैं। मेरे मुँह से पानी आ रहा है, मैं पूरा खा जाऊंगी। हाँ, ये काफी अच्छा है। एनी, क्लास में नहीं खा सकते। लेकिन आप पाइनएप्पल, उप्स, माफ करना, मैं इसे कचरे में डालती हूँ। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं ऑरेंज पील का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे बॉटल की एक कैप चाहिए। मैं इसे छिलके पर लगाती हूँ। मुझे छोटे सर्कल्स बनाने हैं। ये कुकी कटर का काम कर रही है। अब दूसरी चीज करते हैं। मुझे कार्ड का एक सर्कल चाहिए। मैं इसमें ओवल स्केच करूंगी, फिर इस पर ग्रीन कार्ड लगाते हैं। ये एक बढ़िया स्ट्रेस रिलीफ है। मुझे बस छोटे टुकड़े करने हैं, शायद इतना काफी है। अब इसे कार्ड पर लगाते हैं। ओवल पर इसे अच्छे से लगाते हैं।
ऑरेंज पील का एक सर्कल लेते हैं और इसे ओवल के अंदर रखते हैं। इसे एक लेयर देते हैं। मुझे इसे अल्टरनेट तरीके से लगाना है। ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये काम करना चाहिए। ये पाइनएप्पल स्वादिष्ट दिख रहा है। हाँ, तुमने बना भी लिया। मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये देखो। ओह, तो ऐसा है। हाँ, मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। एक मिनट, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ब्लैक कैनवस पर मैं टेप लगाती हूँ, ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ देते हैं। अब मुझे गोल्ड पेंट चाहिए। मेरा टेस्ट काफी अच्छा है। मैं टेप के बीच की स्पेसेस को पेंट करती हूँ, लेकिन सारे स्पेस को नहीं। मैं इसे ओवल शेप देती हूँ। अब आराम से टेप को हटाते हैं। इसे खराब नहीं करना। वाह, ये कमाल लग रहा है। अब मैं ग्रीन पेंट का इस्तेमाल करती हूँ। लीव्स पेंट करनी है। ये पाइनएप्पल का टॉप बनेगा। जरा ये देखो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये एक मास्टरपीस है। बहुत अच्छे बेटी। कुछ ऐसा कहो जो मुझे ना पता हो। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। टीचर, अब आप बताएं। बहुत खूब, तुम दोनों विनर हो। मैं जीत गई। हम जीत गए। सबसे अच्छी बर्ड कौन है? तुम हो। मैं जानती हूँ। चलो तुम यहाँ से बाहर निकालें। आजाद हो जाओ लिटिल बर्डी। क्या ये शानदार नहीं है? वो मैं नहीं जानती थी कि वाइल्ड लाइफ क्लास है। मुझे इससे कुछ सूझा। उम्मीद है मैं ठीक कर रही हूँ। क्या? ओ, चलो भी, सब बहुत बुरे हैं। ये कितना मजेदार है। रुको, ये क्या मजाक है? बेहुदा बर्ड। बर्ड को हाई फैशन नहीं पसंद। मुझ पर से हट हो। हे, ये आर्ट चैलेंज का समय है। वो कहाँ है? क्या क्या हमें चलना चाहिए? लगता है। रुको, हेलो, रुको, मैं कहाँ हूँ? मैं ब्यूटी स्लीप ले रही थी। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज। हाँ, ये देखो। ये मुश्किल हो सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, समझ गई। ही, तुम क्या कर रही हो? मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। मैं अभी आती हूँ, काफी काम करना है। ये शुरू करने की सही जगह है। नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। रुको, मैं इसी की तलाश कर रही थी। ये काफी बड़ा स्पाइडर वेब है और ये कमाल है। मैं काम पर लगती हूँ। मैं पूरा दिन ऐसे खड़ी नहीं रह सकती। मुझे ग्लू चाहिए। मैं इसे वेब पर स्प्रे करती हूँ, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए। मैं ब्लू कार्ड पर भी इसे स्प्रे करती हूँ। इसे स्टिकी करना होगा। इतना काफी होगा, उम्मीद है ये काम करे। मैं वेब पर कार्ड को रखती हूँ, फिर इस पर एक फ्रेम लगाते हैं। अब इसे खींचते हैं। वाह, ये कमाल है। टीचर को ये पसंद आएगा। ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं वापस आ गई। तुम्हें क्या लगता है? ये असली वेब है। ये तो पक्का, इसमें कोई स्पाइडर नहीं है। उसने ये कैसे किया? ओह, अब मेरी बारी। मुझे कॉल करना होगा। हेलो, एक इमरजेंसी है। मैम, ये आपके लिए है। शेफ ने खासकर आपके लिए बनाया है। क्या ये कोई मजाक है? क्या मुझे सब समझाना पड़ेगा? बस इसे खाइए। मैं जानती थी, तुमने बताया क्यों नहीं। मैं बनाना से शुरू करती हूँ। ये स्वादिष्ट है, कितना ताजा है। ये अच्छा था, मुझे नई जॉब चाहिए। मैं ये प्लेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं फोक के पिछले हिस्से से इस पे कट बनाती हूँ। मैंने प्लेट पर शेप बना ली है, ये काम करेगा। अब मुझे ब्लैक पेंट चाहिए। मैं प्लेट पर ब्रश करूंगी, इससे जो खरोच मारी है वो नजर आएगी। ये बिल्कुल स्पाइडर वेब लग रहा है। टरा, मैं जानती हूँ, ये बढ़िया है। हमें अभी पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट है। ये मुश्किल है, लेकिन एहनी जीतती है। वाह, ये मेरा हैप्पी डांस है। मैं तो खो ही गई थी। ये रहा अगला टास्क, स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? ये बुक कितनी दिलचस्प है। क्या तुम्हें सुनाई दिया? शुरू हो जाओ। चलो इसे खत्म करते हैं, मेरे पास करने को और भी जरूरी काम है। हे, देख कर करो। उप्स, माफ करना, इसे कचरे में डाल दो। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बटलर नहीं हूँ। रुको, इससे एक आइडिया मिला। मैं कार्डबोर्ड के पीस को आइसक्रीम शेप में कट करती हूँ, लेकिन इसमें डिटेल्स लगानी होगी। इस पर वॉफल कॉर्न बनाते हैं, ये काफी आसान होना चाहिए। अब इस पे कॉटन पैड्स लगाते हैं, इसकी एक लेयर बनाते हैं। ये थोड़ा वेनिला लग रहा है। मैं इसमें कलर ऐड करती हूँ। इन पैड्स पर वाटर कलर करते हैं।
अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्प्रिंकल्स तो जरूरी है। मैंने ये पेपर के पीसेस से बनाया है और ये बन गया। ये खाने के लिए काफी अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, ये अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, ये काफी अच्छा है, लेकिन मैं इसका मुकाबला कर सकती हूँ। मुझे अभी आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। अब कुछ कर दिखाने का समय है, बटलर। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। हे इधर आओ, आपने चिल्लाया मैम। इतना समय लगता है क्या? याद रखना, तुम्हें निकाला जा सकता है। बिल्कुल मैम। हमारे पास यहाँ क्या है? एक वॉफल, इससे काम बन जाएगा। मुझे बस कुछ ऑल्टरेशंस करनी है। मैं नीचे कुछ कट्स करूँगी, मुझे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, फिर बीच में कट करते हैं। एक छोटा वॉफल ट्रायंगल, इसे ट्रे में रखते हैं और बनानास लगाते हैं। ये मेरी आइसक्रीम होगी। एक के ऊपर एक स्लाइस रखते हैं, फिर इसमें स्ट्रॉबेरीज रखते हैं और स्प्रिंकल्स बेशक। ये कितना कलरफुल है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। मेरे पास जूसी स्ट्रॉबेरीज का एक कप है और स्वादिष्ट ब्लूबेरीज भी, और आखिर में स्ट्रॉबेरी सिरप। टीचर को ये पसंद आएगा, उनके ये देखने का इंतजार करते हैं, वो इसे मना नहीं कर पाएंगी। बस अब देखते जाओ। काफी अच्छी खुशबू आ रही है, काफी अच्छा। ओह चैलेंज, सिर्फ एक ही विनर है, बेटी। नैने, मुझे मेरी आइसक्रीम पसंद है। दिलचस्प है, वहाँ क्या हो रहा है? सब बकवास है। मुझे भी देखना होगा। इसमें क्या फनी है, देखो। वो ऐसे कर रही है, मैं हूँ प्रिंसिपल। हाँ, बुद्धू लग रही है। ओह सच में, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तुम जानती हो। ओह हम तो गए। तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हो, वापस आओ। वो हम कहाँ है? ओह आउटफिट कितनी अच्छी है। तो तुम अपने आप को आर्ट क्रिटिक समझती हो? हम तो ड्राइंग चैलेंज शुरू करते हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुमने केविन को पहले देखा? हे, बस करो। पहले चैलेंज का समय है, हमारा थीम एक्वाटिक होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम फिश बनाओ। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये लाइट्स को क्या हो गया? मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। ओ रुको, ये तुम थी। वो ये कैसे कर रही है? तुम्हारी बारी आनी। ये देखो, ये एक हाथ है। मुझे इससे एक आइडिया आया, इंस्पिरेशन मिल गई। हाँ, पहले हाथ के आसपास ड्रॉ करेंगे, थोड़ा गैप छोड़ देंगे, अब इसे फिल कर लेंगे। ये फिश की पूंछ होगी। अब इसका सर बनाएंगे और इसका मुंह। ये फिश बन गए। अब इसकी आंख बनाएंगे और इसके स्केल्स। बढ़िया बन रही है। कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देती हूँ। बस डिटेल्स बनानी है, थोड़ा कलर करेंगे। ये एकदम ब्राइट होनी चाहिए, बस लाइंस के बीचों बीच रखना है। इसे आप खराब नहीं करना। ये ब्लू एकदम परफेक्ट है, कितना वाइब्रेंट है। मैं सिर्फ स्ट्राइप्स को कलर कर रही हूँ, बॉडी के लिए अलग कलर चुनेंगे। हाँ स्ट्राइप्स बन गए। चलो अब येलो पेन ले लें, इससे ब्लू कलर उभर कर आएगा। हाँ ये एकदम परफेक्ट बनी है, प्यारी से फिशी। अब मेरी बारी, मैंने कार्ड से छोटी छोटी फिशेस काट ली है। अब इसे पानी के बोल में डालेंगे। हैप्पी स्विमिंग। ये कुछ खास नहीं कर रही। ओह नहीं, मेरी फिश फट रही है। तभी मॉम मुझे कभी पेट नहीं रखने देती। और रो मत, बहुत गलत हुआ। मैं जानती हूँ तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी। ये मुझे दो, मैं तुम्हारा मूड अभी बदल दूंगी। बोल को यहाँ रखेंगे। अब हमें मेटल स्पून चाहिए, इसके पीछे ड्रॉ करेंगे। ये एक छोटी सी फिश है। अब स्पून को पानी में डालेंगे। शर्माओ मत, चलो चलो स्विम करो। हाँ गुड फिश, तुम्हें दोस्तों की भी जरूरत है, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेली रहो। ये एक्वेरियम जैसा बन गया। वो कमाल है, अच्छा है ना? ये लो। वाह थैंक्स आनी, हमारा बन गया। अरे वाह फिश स्विमिंग कर रही है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। अब तुम्हारी ड्राइंग देखते हैं आनी, बहुत अच्छे। तो विजेता कौन है? मैं जानती हूँ, क्लोई। बधाई हो। क्या, पर मुझे जीतना चाहिए था। हे, मैंने रूल्स नहीं बनाए, ये बहुत गलत बात है। जो भी हो, रुको
क्या ये फैशन है? यिक्स, ऐसा तो मेरी ग्रैनी पहनती है। सब मेरे हाथ में ही है, इस पे टेस्ट का कोई काम नहीं। जरा उसे देखो। ओ माफ करना, मैं एक फैशनिस्टा हूँ। क्या? हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि तुम एक ड्रेस डिजाइन करो। क्या पता मुझे पेरिस में कैटवॉक पर जाना पड़े। क्या चैलेंज है, मैं बहुत कुछ सोच कर बैठी हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ओह हाँ, ये बढ़िया लग रहा है। मैं फैशन वर्ल्ड बदलने वाली हूँ। ये बकवास है, पता नहीं ये कैसे हो गया, सब बेकार है। ओह फैंसी, मुझे अपने दिमाग को ढंग से चलाना चाहिए। हे ध्यान से, और मुझे उसी हिसाब से सोचना होगा। ओह नहीं, ड्रेस के हिसाब से। देखते हैं। लगता है मेरे पास एक आइडिया है, ट्राई करते हैं। मुझे एक और चीज चाहिए, पर क्या? अरे हाँ, मैं अभी आती हूँ। एप्पल जूस का पूरा जग, मुझे यही तो चाहिए था। पहले नैपकिन को खोलेंगे, अब ऊपर की तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। मैं इस तरह प्लीट्स बनाऊंगी, इसे इस तरह मोड़ते जाएंगे। ये फैन के शेप में होना चाहिए। अब इसे ड्राइंग पर लगा देंगे। मुझे थोड़ी ग्लू चाहिए, इतनी काफी है। इसे इस पोजीशन में लगाएंगे। ये इतना आसान है, क्या बात है, कितना शीक है। पर ये थोड़ा प्लेन है, मैं चाहती हूँ ये शो स्टॉपर हो। तो मैं अपना पेंट ब्रश ले लेती हूँ और इस पर पोल्का डॉट्स बनाएंगे, जो हमेशा अच्छे दिखते हैं। पेंट के अलग अलग कलर्स लेंगे, सब इसको मुड़ मुड़ कर देखेंगे। बस आधी तक पोल्का डॉट्स बनाएंगे, ये बहुत अनोखी दिखेगी। वाह, मुझे पसंद आई, कितनी खूबसूरत है। मैं अब इसे प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। इतना सोच सोच कर मुझे भूख लग गई है। वाह, एनी की ड्राइंग देखो, कितनी खूबसूरत है। अब मैं क्या करूँ? एक मिनट, जूसी फ्रूट का पूरा बोल, मुझे ये चाहिए। मैं ले लेती हूँ, परफेक्ट प्राइम। अच्छा लग रहा है, मैं मजे से खाऊंगी। मुझे एक मिल सकती है? नहीं नहीं, ये मेरे हैं। कितनी गलत बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझसे गिर गया, अब मुझे इसे साफ करना होगा। कर्मा, जरा रुको, शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ क्या करना है, हम इस ड्रेस को आराम से खा सकेंगे। इस तरह इस पर रास्पबेरीज लगा देंगे, अब ब्लूबेरीज लगाएंगे। कितना अच्छा आइडिया है, कुदरत को हम पर गर्व होगा। शुक्र है मैंने सारे नहीं खाए, फ्रूट्स खत्म नहीं होने चाहिए। हमें एक लंबी सी फ्लोइंग ड्रेस बनानी है और ब्लूबेरीज लगाते जाएंगे। वाह शानदार, ये कैटवॉक के लिए तैयार है। हे प्रिंसिपल, ओह तुमने पूरा कर लिया, उम्मीद है आपको पसंद आए। कितनी यमी ड्रेस है, मानना पड़ेगा। मैं सोच सकती हूँ आप ये पहनकर कितनी अच्छी दिखेंगी। मुझे खुश कर रही हो, दोनों ही ड्रेसेस कमाल की हैं। तो तुम दोनों जीत गई, बधाई हो। हाँ, दो ताली। एनी, वो कहाँ चले गए? ओह मुझे पता होना चाहिए था, मैं अभी बताती हूँ। हाँ हाँ खा लो, बस प्रिंसिपल को मत बताना। अब क्या, वो क्या सोच रही है? ओह मैं समझ गई, कुछ जादू करने के लिए तैयार हो? ओह हाँ, तो ये देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम रेनबो बनाओ। हाँ मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है, पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं बैग में कुछ देखती हूँ। ओह अच्छा आइडिया है, चलो भी। टॉयलेट पेपर, हाँ अजीब है, शायद यहाँ कोई पेन पड़ा था। तुम्हारे पास कितना सामान है? ओह फ्री की कैंडी, बहुत अच्छी है। चॉक, ये काम आ सकता है, बहुत मजा आएगा। मैं सबसे अच्छा रेनबो बनाने वाली हूँ, ये मास्टरपीस होगा, या शायद नहीं। टेस्टी है, चलो दोबारा ट्राई करें, कोई और कलर लेती हूँ। ये इतना मुश्किल क्यों है? नहीं, मेरा चॉक काफी बढ़िया जा रहा है। हाँ सच में, रुको शायद मैं चॉक डस्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ ये जरूर काम आएगा, पहले पेपर पर चॉक को प्रेस करेंगे, इसका चूरा बना लेंगे इस तरह। ऐसे ही अलग अलग कलर्स के साथ करेंगे, बहुत सारा चॉक डस्ट इकट्ठा कर लेंगे। ये मिनी रेनबो बन रहा है, अब इस पर उंगली से इस तरह पूरे पेपर पर फैलाएंगे, एक आर्क बनाते हुए दोनों कोनों पर क्लाउड बना देंगे।
अब मुझे ब्लू चॉक चाहिए। अब इन क्लाउड्स के कोनों पर ये कलर करेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए, उंगली से ही फैला देंगे। बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। जी हाँ, एक खूबसूरत रेनबो तैयार है, इसे गैलरी में टंगे होना चाहिए। क्या तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। मुझे चिंता हो गई थी, मैं अपनी ड्राइंग के लिए कैंडी इस्तेमाल करूंगी। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? सबसे पहले ग्रीन वाली, इसे प्लेट पर रखेंगे और बाहर की तरफ से कैंडी लगाते जाएंगे, कलर्स बदलते जाएंगे। कितनी यम्मी लग रही है, पर मैं इसे खा नहीं सकती। ये आर्ट के लिए कुर्बानी है, बस एक पीस बाकी है। मैंने सिर्फ इसकी उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा था कुछ जबरदस्त होगा। हाँ, अरे हाँ बिल्कुल, रेनबो से पहले बारिश तो आनी जरूरी है। प्लेट पर थोड़ा पानी डाल देते हैं, ज्यादा नहीं, इतना काफी है। क्या तुम ये क्या कर रही हो? मैं रेनबो बना रही हूँ। वो शानदार, मैं क्या ही बोलूं? मैं जानती हूँ ये कमाल है। चलो अब देखें कौन जीता। वाह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। इन कलर्स को देखो, बहुत क्रिएटिव है। और रानी, तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? वाह, बहुत बढ़िया। और विनर है एनी। पर रुको, क्लोई भी विनर है। तुम दोनों इसकी हकदार हो। यीपी, बहुत अच्छा किया। ओ, मेरी डिलीवरी आ गई, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। क्या है ये सारा कचरा? हटाओ। ओ, ये मैं ले लेती हूँ, मुझे बबल्स फोड़ने बहुत पसंद है। ये तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट है, मजा आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम ट्री बनाओ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं करने के बाद ये बनाऊंगी, मजा आ रहा है, इसका नशा ही अलग है। मैं रुक नहीं पा रही। पॉप पॉप पॉप, ओ हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जानती हो ना। तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, मैं ये पूरा दिन कर सकती हूँ। जरा रुको, वो ट्री, मैं कुछ करती हूँ। चलो बस थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी है, पहले इन्हें सर्कल में काटेंगे। अब अगला स्टेप, इन्हें पेंट करेंगे, ऊपर के हिस्से को पिंक पेंट करेंगे। अब ऑरेंज की बारी, इन्हें अलग अलग सेक्शंस में बांट देंगे। और नीचे की तरफ ब्लू, मुझे यही तो चाहिए था। अब ध्यान से इसे पलटा देंगे और पेपर पर प्रेस करेंगे। अब बाकी के सर्कल्स लेंगे, हर सेक्शन को अलग कलर देंगे। अब इसे पेपर पर लगाएंगे, बस ये आखिरी है। इसके लिए मैं अलग अलग ग्रीन की शेड्स लूंगी और ये ब्लेंड होते जाएंगे। इस सर्कल को सबसे ऊपर लगाएंगे। अब एकदम आराम से बबल रैप को निकाल दें और ये पैटर्न छोड़ते जाएंगे। कितने बढ़िया लग रहे हैं, जैसा मैंने सोचा था। अब बस कुछ फिनिशिंग टचेस की बारी। ट्री ट्रंक्स बनाने के लिए ब्राउन पेंट लेंगे। अब ब्रांचेस बनाएंगे, ये मॉडर्न आर्ट जैसा है। और थोड़ी ग्रास कैसी रहेगी? बाकी सर्कल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। ट्रंक्स को टेक्सचर देने के लिए व्हाइट पेंट करेंगे। लो हो गया, ये थोड़ा अलग है पर मुझे पसंद आया। शायद मुझसे गलती हो गई। ओप्स, माफ करना, ये तुमने क्या किया? मेरी पेंटिंग खराब हो गई, मैं इसे हटाती हूँ। ओह, ये तो और भी खराब कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। हे, शायद मैं अभी भी इसे ठीक कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है, चलो काम पर लग जाएं। कॉटन स्वाब के आसपास रबर बैंड लपेटें, एकदम कस कर बांधे। अब ग्रीन पेंट को पेपर पर इस तरह डैप करें, रैंडम पैटर्न बनाते जाएं। ये अच्छा बन रहा है। अब हम थोड़ा ब्राइट ग्रीन लेंगे और इससे गैप्स भरेंगे। ये पेंट की लेयर्स बनाता जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर भी आ रहा है। अब मैं ट्रंक को पेंट करूंगी, ये वाला ब्राउन बिल्कुल ठीक रहेगा। और असली दिखाने के लिए लेयर्स बनाते जाएंगे। अब ब्रांचेस बनाएंगे, ज्यादा नहीं, बस ये लीव्स में से दिखनी चाहिए। ग्रास बनाने के लिए लंबे लंबे ब्रश स्ट्रोक्स बनाएंगे। वाह, ये अच्छा लग रहा है, मैं इतना अच्छा सोच भी नहीं सकती थी। ये अभी तक का मेरा सबसे अच्छा काम है। देखो, क्या देखना सेफ है? मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, तुम बहुत डरावनी हो। उम्मीद करो कि मैं जीत जाऊँ। काफी अनोखा है क्लोई। एनी, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, शानदार। तो ये राउंड कौन जीता? एनी ही हो सकती है। वाह, मैं जीत गई, मैं जीत गई। बहुत अच्छे, मुझे एनी से माफी मांगनी होगी, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है मुझे लॉलीपॉप्स पसंद है। शांति मिली, हमें शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले है यहाँ ड्रम रोल, बताओ, एक रेनबो।
वाह, मुझे रेनबोज पसंद है। चलो जल्दी जल्दी निपटाएं। मुझे अपने बैग में से कुछ चाहिए। ओह, मैं अपना बैग देखती हूँ। मेरे पास क्या आया? ये तुम्हारा बैग है? आहा, मैं इसे अपनी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। हे, मैं इसे तो भूल ही गई थी। अभी भी खुशबू अच्छी है। ये कैसा मजाक है? मुझे उल्टी आ रही है। मैं मस्ती कर रही हूँ। मुझे बस पेन चाहिए, एक डायमंड का पेन। बिल्कुल। ये कहाँ से आ गया? इससे मुझे एक आइडिया आया। हे कैंडल, मुझे दूर रहो। क्या बकवास है। हाँ, पहले पेपर को फोल्ड करते हैं, इसके ऊपर पेंसिल टेन रखेंगे और सर्कल बना देंगे। अब इसके ऊपर एक चेहरा बनाएंगे। पहले आंखों से शुरू करेंगे और इस तरह स्माइल को बांट देंगे। कितनी प्यारी स्माइल है। अब इस पेपर को खोलेंगे, पैसों को रूलर की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसे जोड़ देंगे। चलो अब कलर करें। हमें ये बहुत ज्यादा ब्राइट चाहिए और मुंह के अंदर हम रेनबो बनाएंगे। अब पेपर को वापस फोल्ड करेंगे। बढ़िया लग रहा है, ये देखो। अच्छा है ना? वाह, मेरा मुंह खुला रह गया। अभी तो ब्रिटनी ने शुरू किया है। यहाँ कुछ तो होगा जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओह हे, मुझे मेरा पुराना चॉक मिला। मैं ये जरूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे बस अपना हैमर चाहिए। जल्दी से एक बटरफ्लाई स्टेंसिल बना लेंगे। इसे एक ब्लैक कार्ड के ऊपर रखेंगे और अब इस पर चॉक रखेंगे और फिर इसे मसल देंगे। ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। मेरी टेंशन इससे कम होती है। अब स्टेंसिल निकाल सकते हैं और ये संदेशी बटरफ्लाई बन गई। बहुत अच्छा किया गर्ल्स। हाँ मैं जानती हूँ, चुनना बहुत मुश्किल है, पर ये ब्रिटनी जीतती है। सच में? वाह, थैंक्स। ओह, बहुत गलत है। उदास मत हो, मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई। हर तरफ प्यार ही प्यार है। और ये रहा तुम्हारा अगला चैलेंज, एक लव हार्ट। और तुम्हें इंस्पायर करने के लिए मेरे पास एक खास गेस्ट है। जरा वहाँ देखो। हेलो लेडीज, जरा मेरी लुक्स तो देखो। अरे वाह, शुक्र है मैं ये विंड मशीन ले आया था। वो बहुत प्यारा है। हे, मैंने उसे पहले देखा। मुझे राउंड जीतना ही होगा। मुझे कुछ खास बनाना है। मुझे लव हार्ट दो। मुझे और चाहिए। मैं जल्दी कर रहा हूँ, प्रेशर में मैं काम नहीं कर पाता। ये लो। मुझे यही तो चाहिए। ब्रायन कितना प्यारा है। हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। चलो देखते हैं। पहले मैं एक रोमांटिक मैसेज लिखती हूँ। मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। अब इस पर गोल्ड पेन चलाएंगे, थोड़े स्टार्स बनाएंगे। दूसरे हाथ पर मैंने मैसेजेस लिखे हैं। मैं ये वाला चुनती हूँ। साइड्स को फोल्ड करेंगे और इसे नीचे की तरफ दबाएंगे ताकि फ्रीज बन जाए। अब ऊपर से फोल्ड कर देंगे। ये छोटा सा एनवेलप बन गया। इसे सील करने के लिए स्टिकर लगा देंगे और बाकियों के साथ रख देंगे। ये लव लेटर्स की छोटी सी कलेक्शन है। कितना प्यारा कीरिंग बनता है। वो बहुत अच्छा है। जितना सोचा था उससे मुश्किल होगा। मैं कुछ सोच रही हूँ। हाँ तो चलो, पहले एक लव हार्ट बनाएंगे। ये कोई आम लव हार्ट नहीं है, थोड़ा अलग है पर अच्छा है। हेलो, मुझे होबो लुक पसंद आई और ये ड्राइंग जबरदस्त है। रोज के लिए एक रोज। वाह, तुम एक जेंटलमैन हो। और ये क्या है? क्या ये मेरे लिए है? तुम खूबसूरत भी हो और टैलेंटेड भी। क्या कॉम्बो है? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरा दिल धड़क रहा है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। मेरे लिए कुछ है? शांत रहो, अभी मेरा समय है। ये हैंडी है, मजाक कर रही थी। और अगला चैलेंज है एक ब्रश। ब्रिटनी कहाँ है? मुझे मत देखो। जो भी हो, चलो उसके बिना ही शुरू करते हैं। आगे बढ़ो, यह आसान होगा। हेलो, मुझे एक ऑर्डर चाहिए। कितनी बढ़िया सर्विस है। मुझे शॉपिंग करना पसंद है, ये मेरी फेवरेट हॉबी है। हाँ चलो इसे बॉक्स से निकालें। इसमें फिट कैसे आ गया? ये भारी है पर परफेक्ट है। अब मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए। माफ करना मैं लेट हूँ। हे भगवान, क्या ये टॉयलेट पेपर है? हाँ, किस बारे में बात कर रही हो? ओह हाँ, ओप्स, शर्म की बात है। तो मैंने क्या मिस कर दिया? रुको, मुझे बस कुछ करना होगा। प्लीज बस करो। ओह हाँ, अच्छा लग रहा है। ओह, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे पेंट ब्रश नहीं चाहिए। इसे आधे में काटेंगे। अब टॉयलेट पेपर में रोल करेंगे, एकदम कस कर।
अब इसे ग्रीन प्लास्टिक में लपेटेंगे। बिल्कुल इस तरह। जब ये हो जाए तो हमें एक स्टिकर चाहिए। इससे ये टिका रहेगा। बढ़िया लग रहा है ना? इसे क्लियर ट्यूब में डाल देते हैं। लगता है ये तैयार है। पहले स्वाप को हम पिंक पेंट में डिप करेंगे, प्लास्टिक के कलर से इसे मैच करेंगे और फिर पेपर पर करेंगे। जब एक कलर हो जाए तो स्वाप्स को निकाल देंगे। अब ब्लू की बारी है। स्वाप में पहले पेंट को एब्जॉर्ब होने देंगे और फिर अपना आर्ट बनाते रहेंगे। ये क्या? तो ऐसी बात है। हाँ, तुमने अभी देखा ही क्या है। मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। क्यों ना एक मास्टरपीस बनाया जाए। हो गया। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हार गए। अरे चलो भी, ब्रश स्लिप हो गया था। माफ करना, मेरा पोटेशियम लेवल देखना जरूरी है। ये अगला चैलेंज है। इतनी मेहनत कर मुझे भूख लग गई है। मुझे कुछ खाने को दो। ओह, ये हुई ना बात। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं पहले क्या ट्राई करूं? वो हाँ, सच में मुझे चाहिए। इसे अपने हाथ दूर रखो। मेरा खाना मत छुओ। अरे यार, तुम सारा खा जाओगी क्या? मैं तुम्हें एक दे देती हूँ। लो पकड़ो। वो आराम से। बस गिरा मत देना। बाल बाल बचे। इसके लिए शुक्रिया। पहले बोल में से तोड़ लेंगे। योग को अलग रखेंगे। इसे अलग बोल में रखेंगे। इसे उंगलियों से ही तोड़ लेंगे। कितना स्लाइमी है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। थोड़ा और। अब इसे मिला लेंगे। अब मिक्सचर से सिरिंज को भर लेंगे। इससे काम करना आसान हो जाता है और गंद भी नहीं मचता। पाउडर पेंट में एग मिक्सचर को डालेंगे। ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा। ब्रश से एग और पेंट को साथ में मिक्स कर लेंगे। ये ठीक लग रहा है। अब एग शेल लेकर इसे क्रश कर लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसों में तोड़ेंगे। इस शेल का पीस लेंगे और इसे ब्लू पेंट कर देंगे। कितना अच्छा कलर है। मैंने ऐसा वेस बनाया है। अब इस पर शेल्स लगा देंगे और अब फ्लावर्स। मैं एक और बाइट नहीं खा सकती। रुको, शायद मैंने ज्यादा खा लिया। वो उप्स, मेरी गलती है। जरूरत हो तो कर देना चाहिए। मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती। शायद मैं इससे कुछ बना सकती हूँ। पहले मैंने एक शीट को ब्लू पेंट कर लिया है। अब ब्रोकली को ब्रश की तरह इस्तेमाल करेंगे। पेपर पर पेंट इस तरह डैब करेंगे। अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें एक जबरदस्त लीफ इफेक्ट मिलेगा। देखो, ओह बहुत सुंदर है। मुझे पसंद आया। तुम कितनी क्रिएटिव हो। मैं कैसे चुनू? मुश्किल है, पर कैंडल जीतती है। हाँ, देखा मेरा कमाल। ठीक है, बस बस पिकासो। वी, जरा इसे देखो। अपने अगले चैलेंज पर नजर डालो। कितना एक्साइटिंग है। ये कैसा मजाक है? मुझे समझ नहीं आ रहा हम इसका क्या करने वाले हैं। ओ, मेरी शर्ट में से धागा निकल रहा है। एक और। मुझे यही तो चाहिए। शायद ये मेरे काम आ जाए। ओ, मेकअप। शायद कैंडल ध्यान ना दे। यही मौका है। बस आराम से करना होगा। यहाँ कुछ नहीं है। इसे कहते हैं परफेक्ट क्राइम। पहले इस थ्रेड पर लिपस्टिक लगा देंगे। अब इसे नोटबुक पर रखेंगे और फिर इसे वेव पैटर्न में रख देंगे। अब नोटबुक बंद करेंगे और थ्रेड को खींच देंगे। अब जरा देखना कैसे पेंटिंग बनती है। बढ़िया लग रहा है। वाह, सच में काफी अच्छा है। रुको, ब्रिटनी। हाँ। ये यहाँ कैसे आए? रख लो, मैं ब्रश इस्तेमाल करूंगी। पहले कैनवस को ब्लैक पेंट करेंगे, पर आधा ही। अब ग्लू से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लैक पेंट और ब्लैक कैनवस दोनों पर ब्रश से ग्लू लगाएंगे। बिल्कुल इस तरह। इससे पहले ये सेट हो जाए, हम इस पर ग्लिटर डाल देंगे। जल्दी करना होगा। बहुत मेहनत का काम है। हाँ, क्या ये गोल्ड है? मेरी पेंटिंग पर कितना अच्छा लगेगा। मेरी डैंड्रफ भी अमीरों वाली है। पर मुझे कोई अच्छा शैम्पू लेना चाहिए। हार्ट वाले स्टेंसिल को कैनवस पर रखेंगे और एक स्प्रे पेंट लेंगे और स्टेंसिल के ऊपर लगाएंगे। कितना वाइब्रेंट है। ध्यान से स्टेंसिल को निकाल लेंगे। वाह, इसे मैं अपनी दीवार पर टांगूंगी। अच्छा है ना? ओ हाँ, अब जरा ये देखो। वो मेरी आंखें, मैं नहीं देख सकती। इसे रख दो। ये बेहतर है। वाह, शानदार। ये बहुत खास है। अगली बार मुझे पहले ही बता देना। वो जरा ये सामान तो देखो। अब चैलेंज खत्म हो गया है। मैं विनर अनाउंस करती हूँ। मैं मुझे चुनो। मैं बहुत नर्वस हूँ। ये कौन होगा? तो वो है कैंडल।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने पूरी कोशिश की। बहुत अच्छा, रुको हमें प्राइजेस शेयर करने चाहिए। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? वो खाओ। मुझे गले लगना इतना पसंद नहीं है। ये कितनी प्यारी है, असली विजेता तो आर्ट है। आपके पास आर्ट पीस के लिए कूल आइडियाज हैं, पर ये नहीं पता कि करना कैसे है? तो कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपके आम से आइडियाज को एक मास्टरपीस बना दें। आप क्रिएटिविटी शुरू करें। ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है, उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया। किसने मुझे क्या लिखा? हाँ मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो। देखते हैं। गो मेरे बुक्स। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कितना सॉफ्ट है। मेरी बुक्स। हाँ थैंक यू। लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको मैं जरा उसे देख लूं। हाँ ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। मैं यही लिखता हूँ। मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया। बढ़िया। वाह मुझे याद है, तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया। चुभियो अब इसे एक आर्ट में बदलें। पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं, ये क्या बकवास है। नहीं शुक्र है मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है, मैं फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है शांत रहो, गहरी सांस लो, मैं कर सकता हूँ। मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से आराम से। अच्छू हाँ ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको, कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव्स बनाएं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है, इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं, इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ। वाओ तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना यानी, मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है, और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। आप ग्रास भी बना सकते हैं। देखें अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके एक बलून के साथ। कितना सैटिस्फाइंग था ना। अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल। ये मत भूल जाना, कूल है ना। शानदार, तुम्हें कैसा लगा? डेविड तुमने कैसे बनाया?
मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मेरा पेपर। ओह, मेरी गलती है। ओप्स, देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। हे, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? वाओ। मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है। तो ठीक है, यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया? कितना कूल लग रहा है ना? क्या बात है, मेरा प्यारा आर्टिस्ट। ठीक है, ये जगह ठीक लगती है। हाँ, यही तो चाहिए, पेड़ और नेचर। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा। क्या? हे, इस तरफ नजर मत डालो। जो भी हो, ठीक है, तो मैं यही रहूंगा। मैं क्या पेंट करूं? बिंगो, वो कितना प्यारा है। बस डेविड उसे ना देख ले। मैंने वो पहले देखा। हाँ, जो सबसे अच्छा बर्ड पेंटर होगा वही जीतेगा। बस पहले कुछ सर्कल्स बनाएंगे, हमें लाइंस का ख्याल रखना होगा। बढ़िया है ना, थोड़ा कलर करते हैं, ये उभर कर आएगा। येलो कलर अच्छा रहेगा, है ना? और ये इस पर जरूर जचेगा। और अब थोड़ा ग्रीन करें, साथ में कितना अच्छा लग रहा है। अब ब्लू कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले कोनों पर कर लेते हैं, ये सही रहता है, इससे ये आसान भी हो जाएगा, है ना? बस हो ही गया, बस कुछ फिनिशिंग टचेस। और ये ऐसे किया जाता है दोस्तों, एक असली मास्टरपीस। कैसा लगा? हाँ, मुझे पसंद आया। ये क्या है? मुझे अपने हाथ की जरूरत थी और हमें बस यही इस्तेमाल करना है। खैर, बस डॉट्स और लाइंस के लिए इतना ही काफी है। आपने बर्ड का चेहरा देखा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और अब यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे। और प्यारे प्यारे छोटे पैर। थोड़ा ग्रीन कलर करेंगे, वो अच्छा लगेगा। अब दिख रहा है बर्ड। मैं कितनी क्रिएटिव हूँ ना? खैर, तुम देखना ही चाहते हो तो देखो। ओह, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हम टीचर से पूछें? सच में? बस वो ठीक हूँ। वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हे, ओ, हो गया। ओ, बहुत अच्छे। अब बस मुझे 5 मिनट देना। हाँ तो ठीक है, मैं कुछ हैरान कर देने वाला बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है क्या करना है। कॉम्प्लीमेंट्री ह्यूज बनाएंगे, पर अभी भी कुछ मिसिंग है। पर क्या? बॉल बहुत छोटी है। वो क्या कमाल की चीज है मॉम। अभी नहीं। ठीक है, आपके पास अभी पेंट बचा है, तो फिर मैं इससे खेल सकता हूँ। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
हाँ मैं जरा ये ट्राई करती हूँ। हे, मेरी पेंट पैलेट कहाँ चली गई? डेविड, वो तुमने ली? एक्सक्यूज मी, देखो मैंने ये बनाया। मैं इसे कहूंगा पॉन्ड वाटर। हाँ, ओह समझ गए, तुम्हें फेस पेंट करना है। ट्राई करो डेविड। वो दोबारा मजेदार है ना? हाँ बिल्कुल है ना। अगर मैं फिंगर से करूँ तो ये देखो अब ब्लू डॉट्स आएंगे और अब मेरा फेवरेट कलर। हो गया, देखो मॉम। खैर ये तो शानदार है, पर एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। सिमेट्री भी खूबसूरत लगती है और ये बात प्रूव करने के लिए हम ये आपके सामने बनाएंगे। कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है, इस लाइन से इसमें जान आ जाएगी और विंग्स की आउटलाइन करेंगे। दूसरी साइड भी हो गया, देखो ये कितना प्यारा है। और अभी तो ये शुरुआत है बेटे, चलो व्हील को घुमाए। मैं इसे घुमाऊंगी, मैं गेस्ट हूँ, ये मेरा आइडिया है। छोड़ दो, नहीं तो बस भी करो तुम इसे तोड़ दोगी। जरा इसे देखो, तो हम एक रोड बनाएंगे। ये क्या है? लेडीज, तो खूबसूरत फूलों के लिए मेरे पास एक सुंदर फूल है। अजीब है, मुझे तुम खूबसूरत लगती हो, मुझे भी तुम पसंद हो। चलो चैलेंज शुरू करें। आखिरकार हे भगवान क्या कर रहे हो, मेरा इस पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा आर्ट बना रही हूँ, मैं तो ये हमेशा करता हूँ। कितनी प्यारी मूछे है, सच में। हे यूहू, याद है ना ये कॉन्टेस्ट है? ओ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये रोज तो नहीं लगता, लेकिन मैं जानती हूँ क्या करना है। इसके बीच में ट्रायंगल्स बनाएंगे, ये पेटल्स की तरह दिखेंगे। अब बाकी का रोज बनाएंगे, ये अच्छा लग रहा है। अब लीव्स बनाएंगे और स्टेम भी। हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बढ़िया, ये रहा मेरा, ये भी अच्छा है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। तुम जीत गई। हाँ मैं जानती थी, प्राइस क्या है तुम? मैं इसे संभाल कर रखूंगी, खुशबू बहुत अच्छी है। मैं जानती थी वो यही चुनेगा। तुम जल रही हो, अगला क्या है? इतनी जल्दी नहीं, मैं भी घुमाऊंगी। ये कहाँ रुकेगा? ओ, एक बर्ड, कितना प्यारा है। चलो शुरू करते हैं। हाँ हाँ मैं पेंट इतना अच्छा नहीं करती, पर मैं ट्राई करूंगी। तुम्हें नेचर इमेजिन करना होगा, ये एक सीक्रेट है। रेड सही रहेगा। ओ नहीं, ये तो खराब हो गया और खराब होता जा रहा है। मेरा हाथ देखो, एक ही चीज हो सकती है, सैबोटाज। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम पेपर ना हटाती तो क्या हो जाता? ये देखो, और ये मेरी गलती है। नहीं जरा रुको, तुम्हारी इस हरकत से मुझे एक आइडिया आया, ये जरूर काम करेगा। ब्लैक पेंट यहाँ लगाएंगे और एक बीक बनाएंगे और इसके लेग्स। अब ये बर्ड लग रहा है, लो ये प्यारा सा बर्ड है तुम्हारी मदद से। ये तो चीटिंग है, पर मुझे पसंद आया। मेरा इतना भी अच्छा नहीं है, जरा इधर दिखाओ। तुम इतना कहती हो तो ये रहा विजेता। हाँ, ओह हेलो लिटिल गाय, ऐसा लग रहा है मैं कोई कार्टून प्रिंसेस हूँ। वाह, ओह मैं इन्हें छू लूं? शुभ, हटो, खुद के बर्ड्स लेकर आओ। तुम अपने आप को क्या समझती हो?
अगला राउंड आ गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो शांत हो जाओ। ठीक है, पर मैं आपको बहुत सीरियस लेती हूँ। चलो इसे घुमाएं। तुम्हें लगता है तुम लकी हो? ओह, दिलचस्प है। प्लीज, मुझे लगा ये कोई चैलेंज होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं? अब क्या हो गया? चलो शुरू करें, देखते हैं लूना क्या कर रही है। चीटिंग मत करो, दोबारा यहाँ पर धूल है, देखो लगी रहो धूल। बिल्कुल, पहले मैं एक वाई बनाऊंगी और अब उंगलियां, एक और उंगली और बाकी का हाथ और एक हाथ। हो गया, बढ़िया है ना? तुम्हें कैसा लगा? एक ही है और ये रहा मेरा। ये राउंड शायद मैं ही जीती हूँ। हाँ, जीतना चाहिए था। हो, इसका प्राइस था लूना, ये लो। कितना रोमांटिक है। पर मैं कितनी अकेली हूँ। इस बार भी मैं घुमाऊंगी। रुको, क्या? हाँ ठीक है, ढंग से करना। एक डॉग, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम तो मुझे भी यही करना है। मैं समझ गई। ठीक है, एक डॉग। वहाँ से शुरू करूँ? मुझे जानवर पसंद है। पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी और अब क्या करूँ? वो क्या कर रही है? ये डॉग कहाँ से है? समझ गए, मैं छोटे सर्कल्स बनाऊंगी, इतने काफी है। और अब सेमी सर्कल्स, एक नोज और आईज बनाएंगे। थोड़ी डिटेल्स बना देते हैं और इसकी पूंछ। लो, कितना प्यारा डॉगी है यह। पॉसम, समझे? तुमने कैसे किया? तुम बहुत तेज हो। अपनी ड्राइंग दिखाओ। खैर, आर्ट अलग अलग तरीके का होता है ना? याद है? ऐसे देखोगे तो ये डॉग ही लगता है। मुश्किल है, देखते हैं कौन जीतेगा। वाह, तुमने देखा? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डॉग मिलेगा। मुझे फ्लॉपी डॉग चाहिए। क्या हुआ? बस यही, ये क्यूट है पर मुझे असली चाहिए था। मैं ले लेती हूँ, तुम रख सकते हो। देखते हैं कौन इसे घुमाएगा। हाँ तो ठीक है। मैं जीत गई, मैं ये घुमाऊंगी। देखो, सजा से पेपर नहीं कटता क्या? ओह, एक बनी, मुझे इसमें बहुत मजा आएगा। हाँ, सजर पेपर को हराता है। जरा रुको, ये रैबिट ईयर्स जैसे लगते हैं। एक आइडिया है, ड्राइंग शुरू करते हैं। इसे बहुत आसान हो जाएगा। ये रही बॉडी और पॉज। हर रैबिट के पास कैरेट तो होती है। इसकी आंखें और इसका मुंह। कानों में पिंक कलर करेंगे और इसके मुंह पर भी कैरेट को कलर कर देते हैं। थोड़ा सा ग्रीन, ये बन गया रैबिट। कितना बढ़िया है ना? वाह, कमाल है। मुझे जल्दी करना होगा। ओह, जल्दी जल्दी मैं अच्छा नहीं बना। कम से कम कैरेट तो है। वो, मैं दोबारा जीत गई, मैं इसमें माहिर हूँ। बस करो, ये क्या है, इतनी सारी कैरेट्स। शुक्र है मैं ये हार ही गई। इससे तुम्हारी नजर की कमजोरी ठीक होगी। प्यारा है ना? ट्राई करना चाहोगे? दिल बनाना कितना ही मुश्किल होगा। बस दो कर्व लाइंस, मैंने कब से नहीं बनाया। चलो दोबारा ट्राई करें। एक कर्व यहाँ, मुझसे नहीं हो रहा। शायद जीवन नहीं बन रही, मैं इसमें हमेशा ही लगा रहूंगा। शायद ये ग्रिड मदद करे। मैं हर स्क्वायर इस्तेमाल करूंगा
एक एक करके नीचे जाएंगे। आधा हो चुका है, अब ऊपर का हिस्सा। अलग अलग रंग में ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा और। शानदार, ये देखो काफी अलग बनाया है। और ये वाला मेरे हिसाब का नहीं है, इस बार मैट ने काफी अच्छा किया। ओह हाँ, उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, बस हो ही गया। तुम्हारे सबर का फल मीठा है। टडा, ये मजेदार है। बॉय बनाना बहुत आसान है, मैं शीशे में एक लड़के को रोज देखता हूँ, बहुत अच्छा है। एली ये सब कहाँ सीखती है, मैं ये नहीं बना सकता। मैट, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, चलो दिखाओ क्या बनाया। मुझे जल्दी सोचना होगा। ये रहा एक लड़का। हाँ, ये तो लड़का है। रुको, मुझे बस थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, बस एक मिनट। शुक्रिया। ये लेटर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सही है, हम इन सबको जोड़ देंगे। देखा, ये बन रहा है और थोड़ी रंग से इसमें जान आ जाएगी। ओह, ये प्यारा है। ये हुआ ना आर्ट चैलेंज, ये एक मास्टरपीस है। आपको कैसा लगा, मैं तो पिकासो की ट्रेनिंग करवा रही हूँ, मुझे पता था हम कर लेंगे। मियाओ, प्यारी है ना। खैर चलो शुरू हो जाओ, हमें कैट बनानी होगी। ठीक है, फिर ये काफी ट्रिकी है, कुछ तो करो। व्हिस्कर्स, मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन चाहिए। हाँ, क्या वो सच में सो गई, अब मैं काम कर सकता हूँ। बाय बाय लिटिल किटी, क्योंकि तुम मेरे साथ आ रही हो। हे एली, तुम ये कैसे ले आए, ये तो गलत है, मुझे भी चाहिए, पर मैं भी बहुत तेज हूँ। ओह गुड बॉय, मैं असली चीज में भरोसा रखती हूँ। मैंने दोबारा कर दिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें ड्रॉ भी करूंगी। मैंने जितना सोचा था तुम उससे बड़ी हो, मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर सकती। तुम थोड़ा सा इधर मुड़ो, ये काम नहीं कर रहा। क्या बात है, तुम बहुत अच्छी कैट हो। मैट जरा इसे पकड़ो, तुम कहां से आ गई। जो भी है शुरू करते हैं, ये बेहतर है। हम एक कैट वर्ड को एक कैट की तरह ही बना देंगे। मैं इसे ब्राउन कलर करूंगी। कान ना भूले और थोड़ी सी मजेदार स्ट्राइप्स, ये बिल्कुल असली जैसी प्यारी है। तो ये कैसी बनी, वहां कोई है, मैंने क्या मिस किया। हाँ किटीज, बहुत प्यारी है एली, ये तो बिल्कुल मिलती जुलती है मैट, और मुझे पता है क्यों। माफ करना, तो ये राउंड मैं जीती। क्रिएटिव होना ड्राइंग बनाने से ज्यादा अच्छा है। तुम्हारा डांस खत्म हो गया, क्योंकि हमें भी डॉगीज बनाने हैं। ये दिलचस्प होगा। मैं कानों से शुरू करूं। मैट, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ओ, इस डॉगी को देखो, क्या एक डॉग। ओह छोड़ो, ओह हे एली, तुम्हें डॉगी दिखा।
हे, मुझे अब दिख रहा है, ये रॉट वाले जैसा है। मैं इसे यहाँ भी ट्रेस कर सकती हूँ और अपनी डिटेल्स जोड़ सकती हूँ। ये डॉगी कॉलर जैसा है और हमारे डॉग की प्यारी प्यारी आंखें होंगी, एक वेट नोज और एक लंबी जीभ और बढ़िया सा रंग। ये एक बहुत बढ़िया आर्ट बन गया। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया है। मुझे थोड़ी मदद चाहिए, ये काम नहीं करने वाला। ये इसमें आया भी कैसे? सच में मैं यही तो ढूंढ रहा था। ओह, कितना प्यारा बच्चा है और कितना हैंडसम है। ओ, वो सच में बहुत प्यारा है। ओ, रुको, नहीं, तुम्हारा आर्ट कहाँ है? मेरा तैयार है मिस, मैंने तुम्हें काफी इंस्पायर किया। ये पर अब मैं इसे प्यार करूंगी, ये बहुत सॉफ्ट है। और अब आखिरी रंग पर्पल। ध्यान दीजिए प्लीज, अब इसे पूरा नहीं हुआ, हम रेनबो ड्रॉ करेंगे। गेम शुरू करते हैं, ये नहीं भूल सकते, हमेशा रेड से शुरू करते हैं। देखा, ये अभी से रेनबो लग रहा है। मैं ज्यादा मार्कर्स नहीं चलाती, अपना काम करो। वो कुछ भी नहीं कर रही। हे, ये तो पॉपिट है ना, मुझे बहुत पसंद है और मुझे यही वाला चाहिए। हाँ, कितना बढ़िया है ना, पर मैं इसे कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। हर लाइन का एक अपना कलर होगा। बस थोड़ा सा यहाँ। हाँ, होल्स कैसे भूल सकते हैं? अब इसे पलटा देंगे। ये कितना सैटिस्फाइंग है ना? बिल्कुल इसके जितना सैटिस्फाइंग। टीचर, हाथ ऊपर। हे, अब हम तैयार हैं। वाह, कितने सुंदर कलर्स हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। ठीक है, तुमने काफी अलग सोचा,